का असम पर आक्रमण है अटैक है इफ असम इज इंडिया देन इंडिया जैसा नफरत के साथ कुछ नहीं होगा बर्बाद कर दी पूरी हिंदुस्तान की इकॉनमी जो हमारी स्ट्रेंथ तो तो थी उसको खत्म कर दिया आपने ऑस्कर प्रथम पर्याय निर्वाचन हो गलगे किसुद पर्याय और तार पास तृत्य पर्याय Azimur Alohi, Gandhi. Namaskar. Thank you very much for joining me for the interview and special in the holy day. So first of all, thank you. Happy holy. Happy holy. In Assam, the, the first phase, there is a school of opinion. There is a school of opinion that uh, you or party have done reasonably well in the first phase. That's my first question. What's your take on that? Yeah, I would agree with that. performance सो हम मच यू एक्सपेक्ट इससे कितना देखिए मैं एक्सपेक्टेशन में नहीं जाता हूँ मैं भविष्य को प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ वो मेरे कैपेबिलिटी नहीं है मगर मूड पॉजिटिव है और काफ़ी इफेक्टिवली हम चुनाव लड़े हैं तो रिजल्ट आएगा दिस एंटायर इलेक्शन ऑर्डिंग जो आपने किया है एंटायर थिंग इज़ बेस्ड ऑन अ वारंटी पाँच गारंटी आपने दिया है वाट इज़ दिस गारंटी क्या है क्या ये हमारा एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश राजस्थान में ये बात हमें समझ आई हमने क्लियर कट कमिटमेंट किया था छत्तीसगढ़ में राजस्थान में मध्य प्रदेश में कि देखिए अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम ये आपको करके दे देंगे खोखले शब्द नहीं होंगे ये हम पचास चीज़ें नहीं बोलेंगे दो तीन चीज़ें चार चीज़ें पांच चीज़ें बोलेंगे बट वो हम करके दिखा देंगे आप छत्तीसगढ़ जाइए हमने वहाँ पे दो तीन कमिटमेंट्स किए थे किसान का कर्जा माफ़ करने का कमिटमेंट किया था छः घंटे के अंदर हमने कर दिया और वही हमने असाम में किया है क्रिटिकल जो हमें लगा और ये हमने नहीं बोला हमने मैनिफेस्टो प्रोसेस चलाई हम असम की जनता के पास गए टी गार्डन्स में गए बाकी लोगों के पास गए और हमने उनसे पूछा भैया बताओ क्या है और उन्होंने हमें इनपुट दिया और हमने कहा ठीक है ये आप चाहते हो ये कांग्रेस पार्टी गारंटी करके दे देगी वन ऑफ द बिगेस्ट गारंटी आपने दिया सबसे सब पहले वाला का वेरी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल एंड वे टचीज सब्जेक्ट है तो आपने वहां बनाया बताया का विल बी रिपील और रिप्लेस ऑसमिया में अपनी बातिल एनिमेज लैंग्वेज हाउ इट इज पॉसिबल It's a central we not, law. We will not allow assume it. Will, that, assume that you were given, uh, you were given a mandate to run the state. It will be done in the assembly, and we will not allow CAR to come into Assam. Simple. Can you explain? We are not going to allow it. How? We are, we are it's in a government. central law. We are going to pass it in the assembly. We are not going to allow it. Finished. Is it possible? Yes, it's possible. We will do it. But how can a central law you can stop in Assam? We will pass in the assembly that CAR will not be applicable in Assam. And we will not implement it.

असम पर आक्रमण है अटैक है भाषा पर आइडिया पर हिस्ट्री पर कल्चर पर ये असम को अटैक करने का एक तरीका है हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो हम होने नहीं देंगे यही बात मैं तमिलनाडु में कह रहा हूँ इफ असम इज़ इंडिया देन इंडिया इज असम मतलब इज्जत का रिश्ता होगा इक्वालिटी का रिश्ता होगा सुप्रीमेसी का रिश्ता नहीं होगा अलाउ नहीं करेंगे हम में और उनमें फर्क है हमारे लिए इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑफ आइडियाज यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस, यूनियन ऑफ रिलीजन्स यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इमेजिनेशन इसमें हमारे लिए सब भाषाएं सब हिस्ट्रीज सब कल्चर सब इतिहास इक्वल है A... हमारे लिए एक दूसरे से बड़ा नहीं है तो हमारे लिए चाहे वो आसाम हो बंगाल हो तमिलनाडु हो पंजाब हो हरियाणा हो इन सब की एक जगह है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है आसाम उतना बड़ा नहीं है मगर इक्वालिटी होनी चाहिए एक आइडिया दूसरे आइडिया को नहीं दबा सकता हिंदुस्तान में ये आइडिया है और ये ये गारंटी के पीछे भी ये आइडिया है का के पीछे भी ये आइडिया है यही कारण के फास्ट फेस में हम अच्छा कर रहे हैं देखिए आसाम में और देश में अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम फाउंडेशनल प्रॉब्लम आ गई है दो तीन गहरी प्रॉब्लम्स है पहली प्रॉब्लम युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है सिर्फ आसाम में नहीं कहीं भी नहीं दूसरी प्रॉब्लम जो मशीन रोजगार देती है जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं वो बंद पड़ी है हमारी पांच गारंटीज के पीछे ये भी आइडिया है कि हम हमें... उस मशीन को चालू करें उस मशीन में हम फ्यूल डालें इसीलिए हमारी चार गैर... पांच गारंटीज लोगों के जेब में पैसा डाल रही है आइडिया क्या है इकोनॉमी क्यों रुकी है क्योंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं है हम जो सी के लिए बोल चुका है जर ऐसा कहाँ हम लोग करने को नहीं देंगे सेंट्रल एक्ट किसी भी आदमी असम में रहने वाला है अप्लाई करेगा ऑनलाइन वी विल नॉट डू इट इंप्लीमेंट तो हम ही करेंगे ना इट पॉसिबल वी आर गोइंग टू डू इट एनीवे नेक्स्ट नेक्स्ट कम टू द आपने गारंटी तो है पांच लाख जॉब इज इट फिजिबल पाँच छः लाख तो असम में टोटल एम्प्लॉइज ही है गवर्नमेंट नहीं नहीं देखिए हमने ये नहीं कहा है कि पांच लाख जॉब पब्लिक सेक्टर से आएगी हमने okay. कहा है कि सिलेक्ट जॉब पब्लिक सेक्टर से आएंगी और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स आएंगी प्रॉब्लम क्या है इकॉनॉमी बंद पड़ी है जो हमारा जॉब क्रिएशन का इंजन है वो बंद है जॉब आई थी आएगी थी अगर आप अगर आपकी इकॉनॉमी बंद पड़ी है जॉब कहाँ से आएगी तो हम जॉब्स का जो वायदा किया है हमने फर्स्ट स्टेप जो वेकेंसीज है उनको भरेंगे सेकंड स्टेप इकॉनॉमी को चालू करेंगे इकॉनॉमी को कैसे का चालू करेंगे लोगों के हाथ में पैसा डालकर लॉजिक क्या है मैंने आपके हाथ में पैसा डाला आपने कुछ खरीदा जब आपने खरीदा किसी को बनाना पड़ेगा फैक्ट्री चालू हुई फैक्ट्री में लोगों को रोज़गार मिलेगा आज तो पूरा ढांचा बंद है ना आज पूरा का पूरा पैसा गुजरात जा रहा है दिल्ली जा रहा है सिंडिकेट के यहाँ जा रहा है व्हाट इज सिंडिकेट क्या है असाम में तो सुना है काफी सिंडिकेट है बराफ गली में आपके बारे में कुछ सिंडिकेट इज एन आइडिया दैट पीपल ऑफ असम शुड नॉट रन शुडिया काफी बड़ा प्रॉब्लम है ये अभी आपके हिसाब से फंडामेंटल वेरी वेरी टच इशू अबाउट चाय बगान का थ्री सिक्सटी फाइव मैं चाहता हूँ इसको मिले विदाउट ट्विकिंग द प्लांटेशन लेबर एक्ट ये कैसे फिजिबल होगा सारी टी इंडस्ट्री को बर्बाद ना करके टी इंडस्ट्री को हम बर्बाद नहीं करेंगे हम 365 देंगे और हम टी इंडस्ट्री को सपोर्ट करके देंगे हम टू ट्विक प्लांटेशन लेबर एक्ट अदरवाइज दोनों एक साथ नहीं we, हो सकता प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स द बीजेपी डज नॉट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स देयर आर टू थिंग्स दैट बोल सकते हैं अभी मैं बता सकता हूं आप जीडीपी का लेवल दे, बता दीजिए मुझे क्या है आज ग्रोथ रेट क्या है आप बता दीजिए डिमोनिटाइजेशन क्या है बता दीजिए जीएसटी क्या है बता दीजिए बर्बाद कर दी पूरी हिंदुस्तान की इकॉनॉमी जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसको खत्म कर दिया आपने चलानी नहीं आती आप सबके जेब में से जे पैसा निकाल रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि इकोनॉमी चलेगी कैसे हो सकता है कमिंग बैक टू द मेन लेट मी आंसर प्लीज 2004 में हमारी यही सिचुएशन थी प्रॉब्लम क्या थी इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत थी हमने क्या किया हमने मनरेगा किया मनरेगा क्या था मनरेगा गांव में डायरेक्ट पैसे का इंजेक्शन था सब जर्नलिस्ट ने हमें कहा कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है पैसा जाया कर रही है गरीबों को गलत गलत आदत दे रही है बर्बाद कर रही है हुआ क्या जैसे ही हमने पैसा डाला रूरल इकोनॉमी चालू हो गई किसी ने टूथपेस्ट खरीदा किसी ने जूता खरीदा किसी ने साबुन खरीदा वहां पे इंजन चालू हो गया उस इंजन ने अर्बन इकोनॉमी को चालू कर दिया वो इकोनॉमी जो मुझे कह रहे थे कि आप कर क्या रहे हो दो साल बाद आते हैं कहते भैया ये तो जादू हो गया फिर वो हार्वर्ड में आगे पीछे मन रहेगा उसका कर रहे देखिए ये विन विन हो सकता है चाय पत्ती का चाय पत्ती का विन विन हो सकता Because है एक साथ 365 दे और ए, ए, एक को संभाले नहीं तो इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएंगे बर्बाद पूर्ण. नहीं होने देंगे हम दैट गारंटी है हैव मस्ट बी वी विल वी बिकॉज़ द इंडस्ट्री इज मस्ट वेरी मच वरीड अबाउट दैट प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबॉडी वांट्स टू पे थ्री प्लीज अंडरस्टैंड हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स यस कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स ओवर टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स व्हेन मनी मेक्स मनी राइट नाउ मनी इज नॉट मेकिंग मनी द होल सिस्टम जैम फंसा पड़ा हुआ है और उसमें आप लड़ाई करा रहे हो उसमें आप नफरत फैला रहे हो वो चालू ही नहीं होगा तो दो चीजें चाहिए होती है इकोनॉमी के लिए सबसे पहले और असम के हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा शांति नफरत के साथ कुछ नहीं होने वाला ये नफरत, बात हाँ, मत हाँ, की है, है। नफरत के साथ कुछ नहीं होगा पहले शांति आएगी वो कांग्रेस लाएगी उसके बाद डायलॉग शुरू होगा स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग शुरू होगा भैया आप बताइए क्या चाहते हैं आप बताइए क्या चाहते हैं ठीक है हमें यह करना है अब आप बताइए इसको बैलेंस करने के लिए हम कैसे करें क्या करें यह यूनिलैटरली नहीं होगा यह प्यार से बातचीत करके स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम समझते भाई असा, असा। us, हैं भाई कि टी गार्डन्स आर फंडामेंटल टू असैम इट इज अ बैलेंस इट इज अ बैलेंस बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स वी गोन्ट टू मेनटेन दैट बैलेंस वी मेड अ कमिटमेंट टू वर्कर्स वी विल मेंटेन द बैलेंस एंड वे नोट गोन्ट टू डिस्ट्रॉय द टी इंडस्ट्री वॉट वी वॉन्ट इट्स द प्राइड ऑफ असैम एंड वी अंडरस्टैंड हम समझते हैं कि कंस्टेंट दोनों के अब करें इट इज़ नॉट ए वन साइडेड कंस्टेंट अगर लेबर पर कंस्टेंट है तो ओनर्स पर भी कंस्टेंट है और हम उसको मैनेज करके निकालेंगे हमें वो केपेबिलिटी है देखिए हमने जी एस टी की बात की हमने कहा था हम जी एस टी करेंगे बीजेपी का क्या आइडिया हुआ मोदी जी कहते हैं बारह बजे रात को करूँगा धूमधाम के साथ मतलब पटाखे बजाए वो फंक्शन हुआ अंदर आए स्टेज पर कर दिया गोशिएशन किसी से नहीं किया बातचीत किसी से नहीं की स्टेक होल्डर से बोल, को बोला ही नहीं और फिर देखिए क्या हुआ नोटबंदी कर दी बिना किसी से पूछे वो कैबिनेट से भी नहीं पूछा फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा कर दिया आइडिया ही नहीं है तो वी हैव एक्सपीरियंस वी हैव अंडरस्टैंडिंग वी है सैम टुगेदर We have made a Sam work. So you are, would like to give an assurance to the industry still, both the labourers as well as the industry. But, but, how it, but, ko mila how, ke. but how can we ever imagine that the tea industry will work without a balance? It cannot. We know that. And we are certainly not trying to destroy the tea industry. We are trying to create a positive cycle. We are trying to create a win-win. And we are good at it. We are very good at it. Please go to छत्तीसगढ़ We are good at doing it because we talk. हम बात करते हैं हम सुनते हैं हमने मैनिफेस्टो बनाया बंद कमरे में नहीं बनाया लाखों लोग से पूछ के बता बनाया ये जो पांच गारंटीज हैं ये असम की जनता ने हमें दिए हैं। ये नोटबंदी नहीं है कि हमने एक दिन सोच लिया कि भैया पाँच सौ रुपये हज़ार रुपये का नोट हम खत्म कर रहे हैं ना, हम गए हमने पूछा भैया क्या करना है हमें मालूम था कि इकोनॉमी पर पैसा डालना है हमें मालूम था कि नारेगा जो मैंने आपको मॉडल बताया इंजेक्शन कैश इंजेक्शन देना है अब हमारे को ये समझना था कि किस प्रकार से देना है तो हमने निकाला कि भैया टी गार्डन्स में देना है एक वार्ड आपने बताया नफरत इस फास्ट फेज में कि कौन जीतेगा कितना किसी को पता नहीं ना आपका ना मेरे को एक बात लेकिन हम सबको पता हो गया है दोस आप जितना भी कुछ प्रोवोकेशन लाया था एक पार्टिकुलर आदमी के ऊपर में कुछ रिलीजन के ऊपर में एंटायर थिंग हैज थिंग फ्लैटली रिजेक्टेड ये हम लोग बहुत अच्छा, फास्ट पर बहुत अच्छा से रिजेक्टेड प्रोवोकेशन बहुत लाया था देखिए मैं आदमी का नाम बार बार बोल रहा है देखे, एक रिलीजन एक बात बताता हूं देखिए असम इज़ द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग जो आप जो आप यूपी में कर सकते हो विदाउट बैलेंस कि भैया ऐसे करना है वो असहम नहीं कर सकते और अगर आपने कर दिया आग लग जाएगी तो असैम द वे टू रन असहम इज सबसे पहले आप सबसे गले मिलो सबको आप जोड़ो सबकी आप कॉम्प्लेक्सिटी समझो और फिर स्टेक होल्डर्स को बैठा के कहो भैया ये हम रास्ता निकाल रहे हैं ये आपको ठीक लग रहा है नहीं बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा अच्छा बताइए कैसे इसको ट्वीट करें अच्छा इसको ऐसे ट्वीट करिए हाँ ठीक है अब ठीक लग रहा हाँ ठीक लग रहा चलिए अगर आपने ये प्रोसेस नहीं की असम में असम नहीं चल सकता पानी की कॉम्प्लेक्सिटी है लैंग्वेज की रीजन की मतलब टोटल जीनियस जीनियस स्टेट मिनी इंडिया मिनी इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड इमोशनल थिंग इज उस बारे में देखा है आपका इलेक्शनरिंग में मैनिफेस्टो में सारे अब लूदा लो का जो अप्रोच है उसमें इतना प्रोएक्टिव नहीं देखा क्लॉस सिक्स में जितना आपने कान ने बताया लेकिन क्लास सिक्स में क्लॉस सिक्स का बात में कुछ नहीं बोल रहा है क्यों वाई यूल लिटिल बिट हेजिटेंट टू टॉक अबाउट क्लास सिक्स वी आर नॉट हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट Uh, we are not hesitant to talk about it, but we are fighting a campaign and we are fighting the central issues. For us, the central issue in Assam today, number one issue, is how to get the economy started. Central issue is jobs. Kaise central issue is what do we do? We are pushing the central issues because we believe in those central issues. And so that's our idea.

तो वाई इज दिस ट्रांसफारिंग द कैश वे आर वे आर तो क्या डिफरेंस क्यों क्या बीजेपी और आपका आप से, इस इस हिसाब से इसमें इस पर्टिकुलर मुद्दे पे वो करते नहीं है तो ट्रांसफरिंग उन्होंने कहा वो पैसा कैश दे उन्होंने बोला हम थ्री फिफ्टी वन करेंगे कराई नहीं हमने बोला कि भैया हम छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ करें कर दिया ना वो नहीं बता रहे हैं हमने आप जो बीजेपी प्रॉमिस कर रहे हैं तीन हज़ार आप प्रॉमिस कर रहे हैं दो हज़ार बात तो एक ही हो गया दोनों आप मछली किसको अरे दे दे बात, बा, बात नहीं है आप... अब मसली मानने के लिए आपको अच्छा आपको अपना पेन दीजिए मुझे एक सेकंड पेन दीजिए देखिए ये पेन है एक मैंने आपसे कहा देखो भैया ये लो दे दिया ये एक तरीका है ये लो पेन लीजिए आप इसमें फर्क नहीं दिख रहा आपको हाई मीन टोटली फर्क है वी आर मेकिंग अ कमिटमेंट आप देख लेना थ्री सिक्सटी फाइव इज गोइंग टू है हमने जो मेरे, मेरे किया किया था। आप किसी को फिश हर दिन फ्री दे रहे हो। नहीं। और फिशिंग करने के लिए देखिए अभी आपको फिशिंग नहीं, का तरीका दिखा दो नेट दे दो खुद कर लेंगे हमने मनरेगा दिया प्रेस वालों ने कहा आपका क्या कर दो अच्छा बात है लेकिन दो हजार का आप कैसे हो दे नहीं बट सुनिए लॉजिक समझिए लॉजिक अभी क्या है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं पहली प्रॉब्लम है कि वो बंद पड़ी है अगर हमने कंजम्पशन फायर नहीं किया इकोनॉमी नहीं चालू होगी वी आर बिलीविंग दैट बीजेपी इज बिलीविंग कि सप्लाई साइड से वो इकॉनॉमी को चालू कर सकते हैं हम नहीं मानते इसको कंजम्पशन से हम कह रहे हैं कि भैया पैसा डालो कंजम्पशन स्टार्ट करो कंजम्पशन स्टार्ट होगा सप्लाई साइड शुरू होगी वो कह रहे हैं सप्लाई साइड में पैसा डालो कंजम्पशन शुरू हो गया हम कहते हैं भैया सप्लाई साइड में जितना पैसा डालना है डाल दो अगर कंजम्पशन साइड पर लोगों के पास पैसा नहीं खरीद नहीं सकते कैसे इकोनॉमी स्टार्ट होगी तो फंडामेंटल डिफरेंस नंबर वन नंबर टू हिंदुस्तान में क्या हुआ है इनक्वालिटी बहुत बढ़ गई है चुने हुए लोगों के पास लाखों 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 करोड़ रुपए हैं और लाखों लोगों के पास कुछ नहीं है इस इनक्वालिटी को क, uh, रिजोल्व करने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रपोज किया था लोकसभा इलेक्शन में न्याय का डायरेक्ट कैश इनकम सपोर्ट दैट इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड आर माइंड दैट वी नीड टू अटैक दिस इनक्वालिटी इस इनक्वालिटी से बहुत बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं इसीलिए हम कैश डाल रहे हैं दो दो लॉजिक से एक इकोनॉमी को स्टार्ट करना और दूसरा इनकम इनक्वालिटी पे का सवाल उठाना क्वेश्चन है दैट पोस्ट इलेक्शन आप अपना भी कांग्रेस ने ट्राई किया महाजोत में रीजनल ब्लॉक को नहीं ला सका पोस्ट इलेक्शन दैट रीजनल ब्लॉक के लिए आपका दरवाजा खोला रहेंगे देखिए हमारा लक्ष्य बीजेपी आर की जो आइडियोलॉजी है उसको हराने का है जो भी फॉर्मेशन नॉन वायलेंटली बिना हिंसा के

I would, I would not consider them assets. I would consider them as, as liabilities for the BJP. For the BJP. Yeah. Now, assuming that you form your party, get this much of votes, this much of seats to form a government, you have a totally a vague, hazy picture about your no, leaders. We have got hidden assets inside our party that, that will be made visible to you uh, once the election is over. They have liabilities, they have two liabilities. We have hidden assets, many, many people.

So, मुझे लगता है कि बीजेपी को असम uh, रिजेक्ट करेगा असम का जो कल्चर है हिस्ट्री है वो रिजेक्ट करेगा तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर गांधी फॉर गिविंग मी टाइम ऑन देयर इज थैंक यू वेरी टॉकिंग टू नाइस टॉकिंग टू